हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है और दूसरा जो नफरती प्रवक्ता है यानी कि नवीन कुमार उसे पार्टी से निकाल ही दिया गया है। वजह क्या थी आप जानते थे बखूबी। क्यों? क्योंकि मध्य पूर्व और अरब देशों में भारतीय प्रोडक्ट्स का बहिष्कार शुरू हो गया था। यही नहीं, हमारे जो बड़े बड़े उद्योग थे, अडानी, अंबानी, भारतीय जो कंपनी है इंडियन ऑयल, LIC, सभी को जबरदस्त नुकसान होने वाला था। इनके खिलाफ तो भाजपा ने एक्शन ले लिया, मगर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5,000-5,000 रुपए प्रति घंटा पर बैठने वाले रेंटल मौलानाओं, सो कॉल्ड इस्लामिक धर्म गुरु, आखिर कब न्यूज चैनल्स की डिबेट को बॉयकॉट करेंगे? जी हां, आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, डिबेट के अंदर कुछ मुसलमान बैठ जाते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, और वो डिबेट के अंदर कई बार अनाप शनाप बातें करते हैं, कई बार ये लोग मां बहन की गालियां बकते हैं, कई बार ऐसी बातें कहते हैं जिससे आम मुसलमान के लिए मुश्किलात पैदा होती है। मेरा सीधा सवाल, आखिर ये लोग कब न्यूज चैनल के डिबेट्स को बॉयकॉट करेंगे? आखिर इनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि इन तमाम न्यूज चैनल्स में जाते हैं डिबेट्स अटेंड करने? क्या तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि वो 5,000 रुपए प्रति घंटा कमाए बगैर तुम्हारी रोजी रोटी नहीं चल सकती? क्या तुम इस बात को समझते हो कि जो 5,000 रुपए प्रति घंटा तुम कमाते हो, दैट इज ब्लड मनी, खून का पैसा है, नाजायज खून का पैसा है। क्यों? क्योंकि ये तमाम न्यूज चैनल्स जो हैं, जब ये डिबेट करते हैं तो समाज के अंदर नफरत फैलाते हैं, समाज के अंदर दंगे का माहौल पैदा करते हैं। आए दिन जो लिंचिंग्स की खबर आती है, वो इसलिए आती हैं क्योंकि जो लोग लिंचिंग करते हैं, जो लोग मुसलमानों पर निशाना साधते हैं, वो अक्सर यही चैनल्स देखा करते हैं, वो अक्सर इन्हीं न्यूज एंकर्स को देखा करते हैं जिन डिबेट्स के अंदर 5,000 रुपए प्रति घंटा पर ये रेंटल मौलाना, ये जो सो कॉल्ड इस्लामिक धर्म गुरु पहुंच जाते हैं आम मुसलमान को बदनाम करने। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि क्या हम इस्लाम की बात भी ना करें? ये जो सो कॉल्ड धर्म गुरु हैं, ये मुझे ये कह सकते हैं कि क्या हम अपना पक्ष भी ना रखें? जी नहीं, आप गलत हैं, क्योंकि जो तमाम न्यूज चैनल्स हैं ना, जब वो डिबेट के नियम बनाते हैं, जब डिबेट की जमीन रखते हैं, तो वो जमीन ऐसी है कि वो विपक्ष के खिलाफ होती है, वो मुसलमानों के खिलाफ होती है, माइनॉरिटीज के खिलाफ होती है, उदारवादियों के खिलाफ होती है, उन लोगों के खिलाफ होती है जो इस सरकार से सवाल करते हैं। वो सिर्फ एक पार्टी के पक्ष में होती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। इन डिबेट्स के नियम ही ऐसे बनाए जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, इनमें से अगर ये रेंटल मौलाना वहां पहुंच जाएं, अपनी बात जो मर्जी रखें, उससे किसी मुसलमान का फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। और हकीकत यह है, ये लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि इसके बदले में इन्हें पैसे मिलते हैं। आप देख रहे होंगे, मैंने उन रेंटल मौलानाओं में से एक की भी तस्वीर आपको नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि ढेरों हैं। अगर आज की तारीख में मैंने आपको आधा दर्जन चेहरे दिखा दिए, तो आधा दर्जन और बच जाएंगे। ऐसे ढेरों चेहरे हैं, ऐसे ढेरों चेहरे हैं जो इन डिबेट्स में जाकर आम मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। ये सवाल इन लोगों से पूछे जाने चाहिए, इनके सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए, कि आखिर क्यों तुम इन नफरती न्यूज चैनल्स में जाते हो। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, इन डिबेट्स के नियम ही ऐसे हैं कि ये आम मुसलमान उन धर्मगुरुओं, विपक्ष के खिलाफ हैं। मैं तो विपक्ष से भी अपील करते रहता हूं कि आखिर आप क्यों इन डिबेट्स में जाते हैं। आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि आज मेरा इंटरव्यू फलाना ढिमकाना एंकर कर रहे हैं, और वो जो एंकर था जिसने कांग्रेस के उस प्रवक्ता का इंटरव्यू किया, उसने कई बार झूठी खबरें चलाई हैं, दंगा भड़काऊ खबरें चलाई हैं, मगर कांग्रेस के उस प्रवक्ता ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पे डाला कि आज वो मेरा इंटरव्यू करने वाले हैं, जैसे कोई गर्व की बात हो गई। ये गर्व की बात नहीं है। अगर आप उन न्यूज चैनल्स पर आते हैं तो आप समाज का नुकसान कर रहे हैं, अगर आप उन न्यूज चैनल्स पर आते हैं तो आप अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं।
दिक्कत यह है कि इन सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस को, इन तथाकथित राजनेताओं को किसी भी कीमत पर चैनल पर अपना चेहरा दिखाने की जरूरत है। वो ये नहीं देखते कि बेशक तुम उन चैनल पर अपना चेहरा दिखा रहे हो, मगर नुकसान तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी का हो रहा है, नुकसान समाज का हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। और यही तर्क उन सो कॉल्ड मुस्लिम धर्म गुरुओं पर। मैं आपको एक मिसाल देता हूं दोस्तों, कुछ दिनों पहले की बात है, इनफैक्ट कुछ सालों पहले की बात है। एक खबर आई थी कि किस तरह से एक मुस्लिम लड़की गीता के श्लोक पढ़ रही है। तो एक न्यूज चैनल ने क्या चालाकी की, स्टूडियो में उस लड़की को बिठा लिया और उसके सामने लंबी लंबी दाढ़ी वाले दो मौलानाओं को बिठा दिया। अब उस पूरे शो में जो करीब आधा एक घंटा चला, वो लड़की तो बहुत प्यार से गीता के श्लोक बोल रही थी, मगर वो दो मौलाना जो हैं भौहें टेढ़ी करके गुस्से में नथुने फुला फुला कर जो हैं बयान दे रहे थे। अब आप मुझे बताइए, ये तस्वीर जब आम हिंदू देखता है, जब आम भारतीय देखता है, तब उसके जहन में क्या चलता है? खुद से सवाल पूछिए। आपको यह बात समझनी पड़ेगी, जितना ये लोग टीवी पर जाएंगे उतना ही नुकसान आप धर्म का कर रहे हैं और आम समुदाय का कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। और फिर इनके अलावा एक कैटेगरी है सरकारी मुसलमानों की यानी कि भाजपा के मुसलमानों की, और उनमें एंकर्स हैं ढेर सारे। मैं दो तीन मिसाल आपको देना चाहता हूं। कल जब भाजपा के दो प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार को पार्टी से निकाला गया, तो आप जानते हैं एक मुस्लिम एंकर हैं, वो ये ट्वीट करती हैं कि वाह, ये तो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसी की एक मिसाल है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोदी जी। अरे मेरी बहन, अगर वाकई भाजपा को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की परवाह होती, तो आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले, जब से नफरती डिबेट शुरू हुए हैं, प्रधानमंत्री उन चैनल के संपादकों को अपने दफ्तर बुलाते और उनसे कहते कि इन डिबेट से मेरे समाज, मेरे देश का नुकसान हो रहा है, बंद करो ये सब। मगर दिक्कत इन मुस्लिम एंकर्स की ये है कि ये लोग, खासकर वो मुस्लिम एंकर्स जो गोदी मीडिया में काम करते हैं, कि ये लोग इस सरकार की चाटुकारिता, बीजेपी की चाटुकारिता करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और इनको जब कटघरे में रखा जाता है तो इस कदर बौखला जाते हैं। इनमें से हाल ही में एक एंकर कह रही थी कि मैं, एक महिला एंकर, कि मैं अपने बच्चे छोड़ के आती हूं और डिबेट करती हूं। अरे मेरी बहन, क्या डिबेट करती हो तुम? तुम जो डिबेट करती हो उससे तुम कोई पत्रकारिता नहीं कर रही हो, तुम सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की चाटुकारिता कर रही हो। क्योंकि जिस दिन तुमने यह सवाल पूछ लिया था कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा कहां से आती है मोदी जी, आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, तब वो पत्रकारिता ही खत्म हो गई थी, तब वो सिर्फ चाटुकारिता थी, तब वो सिर्फ प्रोपेगेंडा था और उसके अलावा कुछ नहीं था। समझिए, आप में से कई लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, और मेरा मशवरा उन मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि उन सरकारी मुस्लिम एंकर्स के लिए भी है जो इस तरह के जहरीले कार्यक्रम करते हैं। तुम सिर्फ इसलिए करते हो ये कार्यक्रम क्योंकि तुम्हें अपनी रोजी रोटी कमानी है। क्या मजबूरी है तुम्हारी, बताओ? क्या तुम इतने गए गुजरे हो कि तुम अपनी रोजी रोटी सिर्फ उन चैनल्स में रहकर ही कमा सकते हो? मैं आपको एक और मिसाल देता हूं दोस्तों। रिपब्लिक न्यूज में काम करने वाला एक मुस्लिम एंकर है, आज से कुछ सालों पहले की बात है, वो एक दूसरे चैनल पर काम करता था और उस चैनल के एक पत्रकार ने उसके बारे में बहुत अनाप शनाप बका, यहां तक कि उसे पाकिस्तानी तक बता दिया। उस मुस्लिम एंकर ने मुझे कॉल किया, अभिसार भैया देखिए मेरे बारे में क्या क्या कहा, और मैंने उसके बारे में फेसबुक में लिखा भी था, काफी रोया था वो फोन पर। आज वो रिपब्लिक में काम करता है। मैंने कई बार ट्विटर पर उसकी एंकरिंग के नमूने देखे हैं, उसके एंकरिंग के छोटे छोटे हिस्से देखे हैं जिसके अंदर वो समाज के अंदर जहर फैलाने का काम कर रहा है और कुछ नहीं। कुछ दिनों पहले वो इस बात को लेकर रो रहा था कि उसके एक और पत्रकार ने उसे पाकिस्तानी कहा था। आज अलीबाबा 40 चोरों में शामिल हो गया है। कितनी अजीबोगरीब बात है ना। ये मत कहिए कि अलीबाबा 40 चोरों में इसलिए शामिल हो गया है क्योंकि उसे भी खजाने की लूट चाहिए या उसे भी रोजी रोटी कमानी है। नहीं,
आप प्रतिभाशाली हैं, आप चाहें तो उन कचरा न्यूज चैनल से बाहर निकलकर अन्य जरियों से रोजी रोटी कमा सकते हैं, मगर आपको नशा किस बात का है मैं आपको बताता हूं। आपको लगता है कि भाई पैसे तो आ रहे हैं, आपको यह भी लगता है कि भाजपा के नेताओं का आशीर्वाद मिलता रहता है, आपको यह भी लगता है कि अमित मालवीय का एक आध बार फोन आ जाता है और आप खुश हो जाते हैं, आपको यह भी लगता है कि ट्विटर पर फेसबुक पर अनाप शनाप बातें करके भक्त आपके लिए जो है जय जयकार करते हैं। क्यों? इससे तुम्हारा रुतबा बड़ा हो जाता है भाई या मेरी बहनों। सोचिए, जिन न्यूज चैनल्स में भड़काऊ डिबेट्स आप कर रहे हैं, इसका पहला शिकार बेकसूर आम मुसलमान ही है। यानी कि तुम अपने बच्चों के लिए एक जहरीला समाज, एक जहरीली जमीन तैयार कर रहे हो, तुम खुद। ऐसा नहीं कि 2014 के बाद यह देश मुसलमानों के लिए प्रतिकूल है, नहीं साहब, इस देश का नियम कानून ही ऐसा रहा है, कई सालों से ऐसा रहा है। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, कई ऐसे मुसलमान जेल में गए जो 23-23 साल तक जेल में थे और उनका कोई गुनाह नहीं था। कांग्रेस के जमाने में ऐसे लोग जेल में डाले गए, ढेरों ऐसी मिसालें हैं। मगर सीधा सा सवाल एक बार फिर कि आखिर क्यों ये सो कॉल्ड धर्मगुरु इन न्यूज चैनल्स में जाते हैं डिबेट्स अटेंड करने के लिए, आखिर क्यों ये सो कॉल्ड सरकारी मुस्लिम एंकर्स जो हैं इस सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं? ये सवाल पूछे जाने चाहिए, ये बहुत अहम सवाल है। और आज मैंने पहली बार सवाल नहीं पूछा, ये आज से 2 साल पहले एक अन्य प्लेटफॉर्म के लिए मैंने ये शो किया था आपकी स्क्रीन पर, 5,000 रुपए प्रति घंटा पर बैठने वाले रेंटल मौलानाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक, ये शो मैंने किया था और आज फिर कर रहा हूं। आज इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है क्योंकि सही मायने में ये जो किराए पर बैठने वाले सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं, ये लोग धर्म का नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये लोग फासीवादी ताकतों के हाथ के मोहरे हैं। इन लोगों की वजह से पार्टी विशेष को और ज्यादा वोट्स मिलते हैं, क्योंकि जब ये न्यूज चैनल में आते हैं, अनाप शनाप बयान देते हैं, तो तमाम लोग देख के कहते हैं कि देखो क्या क्या बातें कर रहा है, क्योंकि ये लोग वाकई बहुत वाहियात बातें करते हैं और आप भी जानते हैं। इसलिए मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, ना वो सरकारी मुस्लिम एंकर्स पत्रकारिता कर रहे हैं और ना ये सो कॉल्ड रेंटल मौलाना जो हैं, जो 5,000 रुपए प्रति घंटे के लिए बैठ जाते हैं, या हो सकता है दाम बढ़ गया हो बैठ जाते हैं, वो भी धर्म की कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।